दोस्तों, मेरा नाम है कलोल और मेरे चैनल पे आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। आज मैं बताऊंगा एक ट्रांसप्लांटर के बारे में जिसको मैंने ऑर्डर किया था रिसेंटली। तो प्रॉब्लम यह था कि जो मेरे जमीन पे अराउंड 5 to 6,000 छोटे छोटे जो नर्सरी प्लांट्स उसको लगाना था, और जो बाहर से जब मैं लेबर हायर करता हूँ दिक्कत वही होता है, पर डे एक लेबर लगाता है अराउंड 70 to 100, उसी के बीच वो जो नर्सरी प्लांट वो जमीन पे लगा पाता है, तो दिक्कत ये होता है 5,000 प्लांट के लिए मुझे बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एक लेबर का चार्ज पर डे चार्ज होता है अराउंड 350 से लेके 450 तक, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये जो ट्रांसप्लांटर है तो इसको मंगाया है, तो क्योंकि इसके बारे में बहुत ही पढ़ा था तो आज मैं सोचा इसको ऑर्डर करके देखते हैं फील्ड में कैसे यह के लिए काम करता है। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें आप इस प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करूंगा। इसका जो और एक वीडियो में बताऊंगा, सेकेंड वीडियो, उसमें आपको लाइव दिखाऊंगा फील्ड का व्यू, ठीक है। तो फिर चलिए आज इस प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं ये प्रोडक्ट एक्चुअली दिखता कैसे है और इसका जो बिल्ड क्वालिटी कैसा है और ये कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट को आपको खरीदना है तो इसका जो लिंक है मैंने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले इस ट्रांसप्लांटर को अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है। दोस्तों देखिए, ये है ट्रांसप्लांटर, एक स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है और थोड़ा सा मतलब इतना ज्यादा हैवी नहीं है, कुछ 1 किलो का आसपास होगा। तो रैपिंग हटा देते हैं अभी। देखिए ये है ट्रांसप्लांटर जिसको यूज करके आप प्लांट को नर्सरी जो प्लांट्स है उसको जमीन पर लगा सकते हैं। तो ये बना है, जो मैंने इस प्रोडक्ट का ऑर्डर किया था, इसका ये जो मटेरियल है स्टेनलेस स्टील का है, मतलब इसमें कोई रस्ट वस्ट लगने का कोई चांस नहीं है। तो ये काम कैसे करता है बेसिकली, तो यहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हो आप, इसमें आप प्लांट को नर्सरी प्लांट को यहाँ पे आप डालोगे, फिर आपको ऐसा क्या करना है, जमीन के नीचे इसको थोड़ा प्रेस करके यहाँ पे ऐसे करना है, फिर इसके जो ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पे आप नर्सरी प्लांट डालोगे, छोटा सा प्लांट है, फिर डालने के बाद इसको जो ये जो हैंडल है देख रहे हैं हैंडल, इसको आप इसको प्रेस करना है ऐसे। जब ये आप प्रेस करोगे देखिए ये ओपन हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसे प्रेस करोगे तो ये ऐसे ओपन हो जाता है और प्लांट नीचे गिर जाता है, ठीक है। फिर इसको प्रेस करके आपको ऐसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचना है, जब खींच लोगे तो प्लांट वहाँ पे लग जाएगा। तो एक प्लांट लगाने के लिए ये जो प्रोसेस है कुछ 5 to 10 सेकंड लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा, और इसमें आपका बहुत ही मतलब टाइम बचत होगा और पैसे का बहुत ही बचत होगा। तो इसका जो प्रैक्टिकल, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, सो ये बहुत ही सिंपल सा टूल है। तो अगर आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा नर्सरी प्लांट्स जैसे ब्रिंजल हो गया, कुकुम्बर हो गया, ठीक है, इस तरह बहुत सारे 5,000 to 10,000 इस तरह नर्सरी सीडलिंग को आपको लगाना है ज़मीन पे, तो मैनुअल लेबर आप अगर हायर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा पैसा जाएगा और टाइम भी बहुत ही ज़्यादा जाएगा। तो अगर इस तरह एक टूल अगर आप यूज करोगे तो आपका टाइम बहुत सेव होगा और पैसा भी बहुत सेव होगा। तो इसका रियलिटी जो लाइव टेस्ट में फील्ड में दिखाऊंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर उसको देखिए, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट वेदर ठीक से काम करता है या नहीं करता, ठीक है। मैंने भी इस प्रोडक्ट को अभी तक टेस्ट नहीं किया, मैं करके इसका जो रियल टाइम व्यू प्रैक्टिकल जो रिव्यू मैं आपको बताऊंगा मेरा नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है। अगर आपने दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, प्लीज कर दीजिए, सो दैट आने वाले दिनों में जितने सारे एग्री रिलेटेड, ऑर्गेनिक फार्मिंग रिलेटेड और हाइड्रोपोनिक रिलेटेड जितने सारे वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड होंगे वो सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आपको बहुत ईजी होगा देखने के लिए। अगर इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो आप मैंने इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। आप इस ऐसे प्रेस करोगे, जब इसको प्रेस करोगे जमीन पे, ये जमीन गड्ढा बन जाएगा, फिर जो हैंडल है इसका ये वाला, इसको आप जब प्रेस करोगे देखिए ये ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर ऐसे करके आपको ऐसे निकालना है। तो इसका जो लाइव रिव्यू मैं दिखाऊंगा मेरे फील्ड में, और बाद में आप डिसाइड कर लेना वेदर इस प्रोडक्ट को लेना है या नहीं लेना है। ऑलराइट दोस्तों, इसके बारे में और कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा एज सून एज पॉसिबल। और एक चीज़ भूल गया, इसका जो प्राइस मैंने ख़रीदा है वो था 2800, ठीक है, 2800 रुपीज़ मैंने इसको अमेजन पे लिया था। और इसको सेम प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा इंडिया मार्ट पे और बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। मुझे थोड़ा जल्दी था तो मैंने इसको अमेजन से मंगाया था, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का इस ट्रांसप्लांटर का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ और जानना है मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मेरा जो अभी नेक्स्ट वीडियो इसका रिलीज करूंगा उसमें दिखाऊंगा पूरा कंप्लीट लाइव व्यू, और वहां पे दिखाऊंगा प्रैक्टिकली ये जो ट्रांसप्लांटर है कैसे काम करता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।